नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, डीएलएड कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, जो हमारे साथ साक्षात्कार एवं अवलोकन विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। साक्षात्कार एवं अवलोकन, ये दो विधियाँ आजकल आंकड़ों के संग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जा रही हैं। ऐसे में हर एक शिक्षक के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि साक्षात्कार का अर्थ क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखी जा सकती हैं इस विषय में, अवलोकन क्या है, इसके कितने प्रकार है आदि। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र से यह अनुरोध करूंगा कि वो साक्षात्कार के अर्थ पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है डॉक्टर साहब। आइए समझते हैं कि साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी विशेष मुद्दे पर या किसी विशेष उद्देश्य से आपस में की गई एक वार्ता होती है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है तथा प्रत्यर्थी उत्तर देता है एवं आंकड़ों का संकलन साक्षात्कारकार करता है। इस परिभाषा के आधार पर निम्न बिंदु सामने उभर कर आते हैं कि साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है। आइए इसको पहले एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए आपने एक विद्यालय में स्वच्छता अभियान पर एक नाटक का आयोजन किया और नाटक के आयोजन के उपरांत विद्यार्थियों के क्या अनुभव हैं, उनको मंचन करने में क्या परेशानी हुई, क्या उनसे सीखा, ये जानने के लिए आपने जो है एक साक्षात्कार का आयोजन किया और एक विद्यार्थी को आपने चुना उदाहरण के तौर पर। तो जब उससे आपने प्रश्न पूछा तो वो आपके सामने होगा, ये आपके आमने सामने की परिस्थिति हो गई जिसमें साक्षात्कारकर्ता यानी शिक्षक के रूप में आप प्रश्न पूछेंगे तथा उत्तर प्रत्यर्थी यानी छात्र अपने अनुभवों के आधार पर देगा, क्योंकि साक्षात्कार की एक विशेष परियोजना होती है, एक विशेष उद्देश्य होता है। तो आपके इस साक्षात्कार का उद्देश्य विद्यार्थियों का स्वच्छता के अभियान के बारे में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं नाटक का मंचन करके उनको जानना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है साक्षात्कार कहलाती है। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के क्या कुछ निश्चित चरण भी हैं, जैसे साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकर्ता को किन किन सोपानों से होकर गुजरना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में हम ये जान लें, इसको समझ लें तो बहुत बोधगम्य चीज होगी। साक्षात्कार एक शिक्षक के रूप में साक्षात्कार का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब आपको छात्रों के व्यक्तिगत अनुभवों को जानना हो, जिन्हें वह व्यक्ति स्वयं ही बता सकता है जिसने घटना देखी है या उसमें भाग लिया है, या जब कोई व्यक्तिगत या गोपनीय सूचना जाननी हो जहां पर प्रश्नावली का प्रयोग संभव न हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्यर्थी अनपढ़ होता है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। जैसे एक माता पिता के छात्र अनपढ़ हैं तथा आपको घर में छात्र के व्यवहार के बारे में जानना है, ऐसी परिस्थिति में प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित नहीं किया जा सकते क्योंकि माता पिता प्रश्नों को पढ़ना जानते ही नहीं। तब आप छात्र के माता पिता के व्यक्तिगत अनुभवों को जानने के लिए उनको बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो आपको जो है छात्र का घर में कैसा व्यवहार है इसको आप आसानी से आप जान सकेंगे। तो व्यक्तिगत अनुभवों को जब जानना हो तो जो है साक्षात्कार का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात बताई डॉक्टर साहब। क्या ये साक्षात्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसके व्यवहार को या उसके विषय में जानने के लिए हम साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ भी हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये प्रकार जो है दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग होंगे? देखिए, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही साक्षात्कार दे सकता है, साक्षात्कार वो व्यक्ति भी दे सकता है जो अनपढ़ हो, बस बोलना जानता हो, उत्तर देना जानता हो।
अच्छा, साक्षात्कार के दो प्रकार हैं, एक है संरचित साक्षात्कार, एक है असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार आंकड़े संकलन का वह उपकरण है जिसमें प्रश्न पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है, यहाँ तक कि क्रम भी निर्धारित होता है। प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का अवलेखन साक्षात्कारकर्ता एक मानकीकृत फॉरम में स्वयं करता है। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में कहें, संरचित साक्षात्कार में प्रत्यर्थियों से एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या पूर्व निर्धारित होती है, प्रश्नों के क्रम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप छात्रों को ताजमहल का पर्यटन कराने के लिए आगरा ले गए, पर्यटन करने के पश्चात छात्रों ने क्या सीखा, ताजमहल के बारे में क्या जाना, इसको आप जानना चाहते हैं, तो आपने एक प्रश्नों की सूची तैयार की। उदाहरण के तौर पे हमने 4 प्रश्न रखे, हालांकि प्रश्नों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने 4 प्रश्नों का उदाहरण लिया है। जैसे 4 प्रश्न हैं, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल क्यों बनवाया, ताजमहल का रंग कैसा है, तो प्रश्नों की संख्या निर्धारित है। अब आप 5वां प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, इनके क्रम को भी आप बदल नहीं सकते हैं कि पहले प्रश्न को बाद में पूछ लें, आगे को पीछे कर लें। इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड है, संरचित है, क्योंकि इसमें सब कुछ निर्धारित है, कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें कठोरता का गुण होता है, लचीलापन इसमें नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन की इसमें संभावना नहीं होती है। दूसरा प्रकार का साक्षात्कार है असंरचित साक्षात्कार। ये संरचित साक्षात्कार के ठीक विपरीत है, क्योंकि इसमें ना तो प्रश्नों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है, ना ही प्रश्नों का कोई क्रम निर्धारित होता है। साक्षात्कारकर्ता कौन से प्रत्यर्थी से कौन सा प्रश्न किस क्रम में कब पूछेगा, कितने समय तक साक्षात्कार चलेगा, ये सारी चीज़ें साक्षात्कारकर्ता की मर्जी पर है। तो इसका परिणाम ये होता है कि कुछ प्रत्यर्थियों का साक्षात्कार तो बड़े लंबे समय तक चलता है, जबकि कुछ प्रत्यर्थियों का साक्षात्कार चंद मिनटों में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, कठोरता इसमें नहीं है। समय के अकॉर्डिंग, विद्यार्थियों के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, उनकी आवृत्ति और बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसमें जो है अपने प्रश्नों के प्रकार में, संख्या में, साक्षात्कार के समय में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि संरचित साक्षात्कार के में ताजमहल के संदर्भ में 4 प्रश्न एक क्रम में पूछे गए थे। असंरचित साक्षात्कार के संदर्भ में साक्षात्कारकर्ता कुछ अन्य प्रश्नों को भी सम्मिलित कर सकता है, जैसे ताजमहल के पीछे कौन सी नदी है, ताजमहल में कितने गुंबद हैं, ताजमहल पर कौन सी चित्रकारी की गई है, आदि आदि। दूसरे शब्दों में असंरचित साक्षात्कार में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का क्रम, साक्षात्कार की समय सीमा पूर्व निर्धारित नहीं होती। साक्षात्कारकर्ता समय एवं आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। यहाँ मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार में अगर स्पष्ट अंतर बताना हो तो अंतर बिंदुवार क्या क्या हो सकते हैं। बिंदुवार ये होते हैं कि संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, जबकि असंरचित साक्षात्कार में प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं होती। संरचित साक्षात्कार में प्रश्न एक क्रम में पूछे जाते हैं, जबकि असंरचित साक्षात्कार में एक क्रम में नहीं पूछे जाते। संरचित साक्षात्कार में लगभग समय निश्चित होता है, क्योंकि प्रश्नों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि असंरचित साक्षात्कार में समय कम लगने की संभावना, ज़्यादा लगने की संभावना होती है। तो ये इसमें मुख्य अंतर है। सारांशतः हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संरचित साक्षात्कार में सब कुछ निश्चित होता है, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का क्रम, उत्तर देने का तरीका, ये सब निश्चित होता है, इसमें उदारता के गुण नहीं होते हैं। और असंरचित साक्षात्कार में निश्चितता का गुण नहीं होता है, इसमें समय एवं परिस्थिति के हिसाब से प्रश्नों की संख्या भी बदल जाती है, उदारता के गुण का भी समावेश हो जाता है। तो मुख्य ये दोनों हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारे गुण इसमें होते हैं। अब हम एक बात और अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि साक्षात्कार लेते समय हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए या क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो जो व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है उसमें बोलने की कला में स्पष्टता हो, यानी संप्रेषण उसका जो है एकदम अच्छा हो, समन्वय करने की क्षमता हो एवं सामाजिक कौशलों में वह निपुण हो। साक्षात्कार के दौरान
जो व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है वो उसका व्यवहार आक्रामक या गुस्सेल तरीके का नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रत्यर्थी डर जाएगा और वो अपना मनचाहा उत्तर जैसा वो बोलना चाहता है वैसा बोल नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है उसके साथ आत्मीयता रखी जाए और प्रश्नों को आप क्रमबद्ध तरीके से पूछिए। प्रश्न सरल पूछिए, स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न द्वर्थीय नहीं होने चाहिए। प्रश्न जब आप पूछें तो प्रत्यर्थी की भाषा में पूछें। मान लीजिए प्रत्यर्थी हिंदी जानता है, आप तो इसको इंग्लिश में पूछ रहे हैं, तो वो क्या समझेगा, क्या उत्तर देगा? जो आप आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे आपको। तो दूसरी बात ये है, प्रश्न इस प्रकार के हों जिसमें प्रत्यर्थी की व्यक्तिगत भावनाओं को किसी प्रकार का आघात या दुख ना पहुँचे, इसका सम्मान करना चाहिए। और साक्षात्कार के दौरान प्रत्यर्थी को यह महसूस ना हो कि कोई परीक्षा हो रही है, बल्कि ऐसा महसूस हो कि कोई वार्ता हो रही है, ताकि आप प्रत्यर्थी से स्वाभाविक रूप से उसके अनुभवों को जान सकें। इसके लिए आवश्यक है प्रत्यर्थी को साक्षात्कार के प्रति अप्रेरित करते रहें और सही उत्तर देने पर बीच बीच में आप बोलते रहें, शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छा आप बता रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह का पुनर्वलन देते रहें। तो उसको जो है अभिप्रेरणा, एक एनर्जी, ऊर्जा उसके अंदर जो है जागर होती रहेगी और वो अच्छी तरीके से जो है उत्तर दे पाएगा। तो ये कला है कि कैसे जो छात्र जानता है उसके उत्तर को उससे निकलवाया जाए। तो और दूसरी बात यह है कि एक साथ कई प्रश्न मत पूछिए। प्रत्यर्थी को अपनी बात कहने का उचित अवसर दीजिए, पर्याप्त समय उसे दीजिए और उसकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रत्यर्थी के द्वारा दिए गए उत्तरों को अवलेखन सावधानी से करना चाहिए। अवलेखन आपकी व्यक्तिगत पसंद तथा नापसंद से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। साक्षात्कार के तुरंत बाद आप जो है एक साक्षात्कार रिपोर्ट बना लें। अगर आपने थोड़ा सा गैप कर दिया तो आप कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे, उनको रिपोर्ट में आप लिख नहीं पाएंगे। तो तुरंत प्रयास कीजिए साक्षात्कार के तुरंत बाद जिन लोगों का साक्षात्कार लिया उसकी एक प्रतिवेदन तैयार कर लें, ताकि उनके साथ जो है अच्छा निर्णय हो सके और जो डिजर्व करता है, जैसी योग्यता रखता है, वैसी चीज़ों को वो प्राप्त कर सके। तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि साक्षात्कार के दौरान अगर कोई प्रत्यर्थी सही उत्तर नहीं दे पा रहा है लेकिन वो सही उत्तर के आसपास है, तो उसको कुछ संकेत के माध्यम से, कुछ संकेत देकर उससे सही उत्तर निकलवाया जाए? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? ये जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक परीक्षक हैं वहां पे, और यदि आप किसी एक छात्र को आप संकेत दे रहे हैं और दूसरे छात्र को आपने संकेत नहीं दिया, तो उस छात्र के साथ तो अन्याय होगा। तो एक परीक्षक के रूप में रहें, आप अपनी व्यक्तिगत पसंद तथा नापसंद से पूर्णतः मुक्त रहें, आप किसी प्रकार का संकेत न दें। जो प्रश्न पूछा है अगर छात्र जानता है तो उत्तर देगा, नहीं जानता है तो नहीं देगा, बात खत्म। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, साक्षात्कार के विषय में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अब साक्षात्कार के साथ साथ जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही कहा कि अवलोकन भी एक बड़ी विधा है, या अवलोकन भी एक उपकरण है आंकड़ों के संग्रहण की, जिसका आए दिन हम लोग जाने अनजाने, चाहे अनचाहे प्रयोग करते रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अवलोकन के विषय में भी थोड़ी जानकारी दें, जैसे अवलोकन का अर्थ क्या है, अवलोकन की आवश्यकता क्या है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अवलोकन से हमारा क्या आशय है, या अवलोकन से हम क्या समझते हैं, क्या उसका अर्थ है? डॉक्टर साहब, अवलोकन का अर्थ बताने से पहले हमको पहले ये तो समझ लें कि भाई अवलोकन की ज़रूरत क्या है। भाई जिस चीज़ की हमारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो यूजलेस होता है। तो जब हम ये जान लेंगे कि अवलोकन की ये आवश्यकता है, तो उसको हम बोधगम्य तरीके से समझ सकेंगे। हमारे विद्यालय जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो समाज स्वीकृत बातें हैं उनको तो व्यक्ति बता देता है, चाहे इंटरव्यू ले लीजिए, चाहे आप प्रश्नावली से डाटा कलेक्शन कर लीजिए, चाहे आप रेटिंग स्किल से कर लीजिए, लेकिन जो समाज अस्वीकृत बातें हैं उनको व्यक्ति छुपा जाता है, उनको बताता नहीं है। तो अब शिक्षक के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि इन चीज़ों को क्यों जाना जाए, क्योंकि विद्यालय का उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है,
छात्रों के व्यवहार से उन चीज़ों को भगा देना या शोधन कर देना जो समाज स्वीकार योग्य नहीं है, लेकिन आप उसका शोधन तभी तो करेंगे जब आप जान पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए कोई छात्र चोरी करता है, अब वो चोरी कर रहा है, चोरी कर लिया, आपसे पूछें क्या तुमने चोरी किया है, संभवतः वो नहीं बताएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है उसका छुप करके देखा जाए, अवलोकन किया जाए, ये करता क्या है, कब चोरी करता है, क्यों करता है। ऐसी परिस्थिति में जो है हम जो है अवलोकन का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम ये समझें कि अवलोकन होता क्या है, फिर हम बताएंगे कि अवलोकन का प्रयोग जो है विद्यालय प्रांगण में विभिन्न परिस्थितियों में कैसे करें। अवलोकन क्या है? देखिए, हम हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन देखना अवलोकन नहीं होता। लोगों में भ्रांति है कि देखना अवलोकन होता है, देखना अवलोकन नहीं होता, देखना सिर्फ देखना है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को ध्यानपूर्वक गहराई से, बारीकी से, सूक्ष्मता से देखते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी वस्तु के विभिन्न पक्षों, उसके रंग रूप आकार, उसकी विशेषता, बारंबारता, उसके सकारात्मक नकारात्मक आदि को देखते हैं, तो उसे हम अवलोकन कहते हैं, ठीक है नहीं। आइए इसको जो है हम एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप जो है एक फूलों के बागान में आप घूमने के लिए गए, वहाँ पर बहुत प्रकार के फूल लगे हुए हैं, अचानक से आपका ध्यान सूरजमुखी के पेड़ पर गया, ठीक है। तो आपने सूरजमुखी पेड़ का अवलोकन किया, आपने देखा कि ये पेड़ है, इसकी लंबाई है, ये पत्तियां हैं, ये आकार है, ये फूल है, ये फूल के पत्ते हैं, फूल के पत्ते कैसे हैं, फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं, आदि को ध्यानपूर्वक देखा, यह है अवलोकन होगा। क्योंकि फूलों के बागान में तो बहुत सारे फूल थे जिन पर आपका ध्यान नहीं गया, उनको केवल आपने देखा, लेकिन सूरजमुखी के पेड़ एवं फूल के विभिन्न पक्षों को आपने ध्यानपूर्वक देखा, सूक्ष्मता से देखा, गहराई से देखा, यह अवलोकन है। यहाँ हमारी जगह अगर सूरजमुखी के पेड़ को कोई वनस्पति वैज्ञानिक देखे तो उसके गुणों को और अधिक सूक्ष्मता से देखेगा। तो ये गहराई से देखना ही अवलोकन होता है। तो ये कहा जा सकता है कि अवलोकन में सूक्ष्मता का गुण होता है। अवलोकनकर्ता बड़े ही सूक्ष्मता से, बड़े ही ध्यान से उस वस्तु को देखता है और उसके गुण दोष आदि की विवेचना करता है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं सरल रूप में। जैसे कि माना खेल के मैदान में कुछ छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन आप एक छात्र राम के खेल को ही ध्यानपूर्वक गहराई से देखते हैं कि वह कैसा खेलता है, खेलने के दौरान वो समूह में व्यवहार कैसा करता है, क्या व्यवहार उसका आक्रामक है या शांत है, क्या वह खेल के नियमों का पालन कर रहा है, उसके खेल में खेल के मजबूत पक्ष कौन कौन से हैं, नकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। आपके द्वारा राम के खेल का गहराई से किया गया ये अवलोकन, सूक्ष्मता को सूक्ष्मता से किया गया अवलोकन, देखना ही अवलोकन है। जबकि खेल के मैदान में तो और भी छात्र खेल रहे हैं, उनके खेल पे आपका कोई ध्यान नहीं है कि वो कैसा व्यवहार करें, क्योंकि आपका उद्देश्य तो राम के खेल का अवलोकन करना है, उसको गहराई से देखना है। तो ये गहराई से देखना ही अवलोकन होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि अवलोकन में एक गुण उद्देश्य पूर्णता का होता है, यानी अवलोकन किसी उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है। हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि क्या अवलोकन विविध प्रकार के होते हैं? इसके कुछ प्रकार भी हैं। अवलोकन विविध प्रकार के होते हैं। अब हमने अर्थ, इसका अर्थ समझ लिया, इसकी थोड़ा और आवश्यकता को देखें कि दूसरे और कौन से फील्ड हैं जहाँ पर जो है हम अवलोकन का प्रयोग कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा। जैसे कि आप मापन एवं मूल्यांकन के दौरान या आंकड़ों के संकलन के दौरान छात्रों के बहुत सारी संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक योग्यताओं को आकलन करते हैं। कुछ गुण या व्यवहार ऐसे होते हैं जिनका आकलन किसी परीक्षण या प्रश्नावली के माध्यम से आप नहीं कर सकते। जैसे छात्र बातचीत कैसे करता है, उसका संप्रेषण, गाना गाने की योग्यता, उसको देखना, छात्र नृत्य कैसा करता है, उसकी समयबद्धता कैसी है, समय का सदुपयोग कैसे करता है, छात्र का कक्षा और कक्षा के बाहर का व्यवहार, छात्र के द्वारा किया गया सम्मान, छात्र ने जो लेटर लिखा है, जो आंसर लिखा है, उसको देखना है कि सुंदर है या कैसा है। तो ऐसे तरीके के आंकड़े आप केवल अवलोकन के माध्यम से ही कर सकते हैं, प्रश्नावली के साक्षात्कार के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने जब उत्पन्न हो तो हमको अवलोकन के द्वारा आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। यहाँ पर कागज़ कलम की जो टेक्निक है वो उतनी प्रभावशाली नहीं है। तो यहाँ तो इस बात की भी संभावना हो सकती है कि यदि छात्रों को यह पता चल जाए कि हमारा अवलोकन होने वाला है तो वो अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दें। तो
अगर जब वो अपने व्यवहार को परिवर्तित कर देंगे तो फिर अवलोकन से जो हमें आंकड़े प्राप्त होंगे वो विश्वसनीय नहीं रह जाएंगे। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आप लोग या अवलोकनकर्ता को किस तकनीकी का सहारा लेना चाहिए? देखिए, इसके लिए दो प्रकार के अवलोकन होते हैं, एक होता है सहभागी अवलोकन, एक होता है असहभागी अवलोकन। आप आवश्यकता के अकॉर्डिंग, उद्देश्य के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग किस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करते था, लेकिन मैं दोनों प्रकार के अवलोकन के बारे में आपको बता देता हूँ। जी बहुत अच्छा। सहभागी अवलोकन वह अवलोकन होता है जिसमें अवलोकनकर्ता ना केवल अवलोकित किए जाने वाले व्यक्तियों के बीच में रहता है बल्कि उनके क्रियाकलापों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। दूसरे सरल शब्दों में अवलोकनकर्ता उस परिस्थिति का पूर्णकालिक सदस्य बन जाता है जहाँ पर व्यक्तियों का अवलोकन किया जाना है। अवलोकनकर्ता अपनी पहचान छुपा कर रखता है ताकि व्यक्तियों के स्वाभाविक व्यवहारों को जाना जा सके, क्योंकि पहचान उजागर होने से व्यक्ति बनावटी व्यवहार करने लगते हैं, परिणामतः आकलन अवलोकन का जो मूल उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कोई ऐसी भूमिका अपनाकर उस समूह में प्रवेश करना चाहिए जिससे व्यक्ति का मूल व्यवहार, व्यक्ति जिन व्यक्तियों का अवलोकन हो रहा है उनका मूल व्यवहार ना बदले। अवलोकनकर्ता अवलोकन स्थल पर स्वयं ही निर्णय करता है कि उसे क्या अवलोकन करना है, जैसे क्या अवलोकन करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों का अवलोकन करना है, कितने समय तक करना है, आवश्यकता के अनुसार अवलोकन के कार्यक्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसको एक जो है हमें काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। माना आदर्श जनता इंटर कॉलेज के हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम पूरे देश में सर्वोच्च रहा। अब आप जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है, ऐसा वहाँ क्या होता है। इसके लिए आपने आदर्श जनता इंटर कॉलेज की पूरी शिक्षा प्रणाली को जानने के लिए शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से आप वहाँ पूर्णकालिक अध्यापक बन गए, अपना अपॉइंटमेंट करा लिया या ट्रांसफ़र करा लिया। अब वहाँ के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, प्रशासन आदि को कुछ पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप वो सारे कार्य करेंगे जो एक नॉर्मल अन्य शिक्षक करते हैं। तो आप विद्यालय स्थल में पहुँच गए, वहाँ पर जाकर के आपने निर्णय लिया कि अब मुझे ये देखना है कि यहाँ शिक्षण कैसे होता है, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से विषय को कितना समय दिया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कैसे होता है, आंतरिक परीक्षाएं कैसे होती हैं, इनका अंतराल क्या है, आंतरिक परीक्षाओं में के जो परीक्षा परिणाम है उनका उपयोग कैसे किया जाता है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक छात्र संबंध कैसे हैं, वहाँ के शिक्षकों की समयबद्धता, योग्यता, छात्रों के साथ व्यवहार कैसा है, और भी बिंदु हैं उनको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं या इन बिंदुओं में से आप कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरे एक वर्ष तक आपने आदर्श इंटर कॉलेज की शिक्षा प्रणाली के सभी बिंदुओं का अवलोकन करके आप एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि हाईस्कूल का परिणाम पूरे देश में सर्वोच्च होने का कारण क्या है, आप मूल व्यवहार को वहां जान पाएंगे। तो इस प्रकार के अवलोकन को हम लोग सहभागी अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। वो सावधानी ये है कि प्रतिदिन आंकड़ों का अवलेखन करें अन्यथा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट सकते हैं या विस्मृत हो सकते हैं। अवलोकन स्थल पर व्यक्तियों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें अन्यथा आपको उचित सहयोग मिलने में कठिनाई हो सकती है। व्यक्तियों के साथ कुछ ऐसा ना करें जिससे कि उनको लगे कि आप उनसे अधिक बुद्धिमान हैं या श्रेष्ठ हैं, परिणामतः व्यक्ति सहज महसूस नहीं करेंगे, मूल व्यवहार को छुपा सकते हैं तथा आपकी पहचान भी उजागर हो सकती है कि आप तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। समूह में अपनी स्थिति को अलग नहीं बनाएं, आप सामान तरीके से वहाँ रहें। अवलोकनकर्ता को समूह में व्यक्तियों के साथ बहुत अधिक संवेगात्मक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सहानुभूति के कारण ना केवल समय बर्बाद होता है वरन अवलोकनकर्ता आंकड़ों का अवलेखन करना भूल जाता है जो कि उसका मूल कार्य है। ये तो डॉक्टर साहब सहभागी अवलोकन की बात हुई। अभी आपने बताया कि दो तरह के अवलोकन हमारे पास होते हैं, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। तो असहभागी अवलोकन से हमारा क्या आशय है और इसे करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? असहभागी अवलोकन वह अवलोकन होता है जिसमें अवलोकनकर्ता व्यवहारों का अवलोकन तो करता है लेकिन उन क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता। अवलोकनकर्ता का परिचय छुपा नहीं रहता, सभी जानते हैं कि उनका अवलोकन हो रहा है। असहभागी अवलोकन में यह पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या अवलोकन करना है, कैसे करना है, अवलोकन कहाँ करना है, कौन कौन से व्यवहारों का अवलोकन करना है, अवलोकन कितने समय तक किया जाएगा, ये पूर्व निर्धारित होता है। आइए इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय में एक जो है विद्यालय प्रबंध समिति बनाई गई है।
तो मान लीजिए यदि आपके विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति का एक सदस्य प्रतिदिन समय निर्धारित नहीं है, कभी भी आ सकता है, यह अवलोकन करने आते हैं कि विद्यालय में कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि या नहीं, तो यह असहभागी अवलोकन का उदाहरण होगा, क्योंकि सदस्य ने अवलोकन तो किया लेकिन अध्यापक कक्षाएं ले रहे हैं या नहीं, लेकिन उनके शिक्षण में ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये तो देखने आ रहा है, लेकिन वो उनके शिक्षण में सहभागी नहीं हो रहा है, खुद वहाँ टीचिंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उनकी एक्टिविटी में उन्होंने भाग नहीं लिया लेकिन अवलोकन उन्होंने जो है कर लिया, ठीक है, तो उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई यहाँ पे, और अध्यापकों को भी मालूम था कि ये आदमी जो आया है विद्यालय प्रबंधन समिति का, ये हमको देखने आया है कि हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है असहभागी अवलोकन का उदाहरण होगा। अगर ये जानना चाहा जाए कि दोनों प्रकार के अवलोकनों में से बेहतर कौन सा है और हमें अधिकांशतः किस प्रकार के अवलोकन का, सहभागी अवलोकन का कि असहभागी अवलोकन का प्रयोग करना चाहिए, तो आपकी इस विषय में क्या राय होगी? ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और आपकी परिस्थिति किस प्रकार से आपको अलाउ करती है, ठीक है, तो ये पूर्णतः उद्देश्य और परिस्थिति पर, उद्देश्य और परिस्थिति आधारित है। अगर परिस्थिति अलाउ करती है तो आप जो है वहाँ उनके क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं, अगर परिस्थिति आपको अनुमति नहीं देती है तो आप क्रियाकलापों में भाग ना लेकर भी अवलोकन आप कर सकते हैं। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई एक विधि, चाहे सहभागी अवलोकन विधि या असहभागी अवलोकन विधि, कोई एक बेहतर है, जब जिस परिस्थिति के अनुकूल जिसका उपयोग करना होता है हम उसको उपयोग करते हैं। नहीं, जब हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे तो हम निश्चित रूप से जो है सहभागी अब जो असहभागी अवलोकन है उसको अच्छा पाते हैं, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं और व्यक्तियों के मूल व्यवहारों को हम जान पाते हैं, क्योंकि जब व्यक्तियों को पता चलता जाता है कि हमारा व्यवहार, हमारा अवलोकन हो रहा है, तो वो अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। तो सहभागी अवलोकन को हम असहभागी की तुलना में बेहतर मानेंगे। अभी हम लोगों ने सहभागी और असहभागी अवलोकन की चर्चा की, इन दोनों प्रकार के अलावे क्या अवलोकन के कुछ अन्य प्रकार भी हैं? हाँ, तो थोड़ी रोशनी आप उन अन्य प्रकारों पर भी डालें। एक प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, दूसरा प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। प्रत्यक्ष अवलोकन वह अवलोकन होता है जिसमें अवलोकनकर्ता किए जाने वाले व्यक्तियों को पता रहता है कि उसका जो है प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा रहा है, जैसे प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य के द्वारा छात्रों के अनुशासनात्मक गुणों तथा प्रार्थना के नियम का अनुसरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका अवलोकन करें, तो ये प्रत्यक्ष अवलोकन का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थियों को भी पता है कि प्रधानाचार्य हमारा अवलोकन कर रहे हैं और वहाँ पर शिक्षक व छात्र दोनों प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। जैसे आप शिक्षक हैं, परीक्षा ले रहे हैं, आप निरीक्षक की भूमिका अदा करते हैं, तो वहाँ विद्यार्थियों को पता होता है परीक्षक वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं हमारी नकल पकड़ने के लिए, तो दोनों को मालूम होता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमारा अवलोकन हो रहा है। या तीसरी सिचुएशन ये है कि आप जो है कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपके प्रधानाचार्य कक्षा में पीछे आके बैठ जाएँ कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं या सिलेबस से बाहर की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका उद्देश्य हो सकता है वो आपको देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये प्रत्यक्ष अवलोकन के उदाहरण, प्रत्यक्ष अवलोकन होगा। एक होता है अप्रत्यक्ष अवलोकन। अप्रत्यक्ष अवलोकन वह अवलोकन होता है जिसमें व्यवहारों का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अवलोकित व्यक्तियों को पता नहीं रहता कि उनका अवलोकन किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे एक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा है अपनी कक्षा में, और शिक्षण कक्ष में एक गुप्त कैमरा CCTV कैमरा लगा दिया जाए जिसके बारे में शिक्षक को पता ही नहीं है, और प्रिंसिपल साहब अपने रूम में बैठ करके देख रहे हैं कि जो है वो क्या हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल साहब वहाँ उपस्थित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से ये जान ले रहे हैं कि शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, तो ये अप्रत्यक्ष अवलोकन का उदाहरण है। यानी कि जब अवलोकनकर्ता जिसका अवलोकन कर रहा उस व्यक्ति से दूर हो, कहीं आमने सामने की स्थिति ना हो, तो ऐसी स्थिति को हम अप्रत्यक्ष अवलोकन कहेंगे, और जब आमने सामने की स्थिति हो, अवलोकनकर्ता और जिस विषय का या जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का अवलोकन किया जा रहा है उसके सामने हो, तो ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष अवलोकन के रूप में जानी जाती है। तो क्या इन अवलोकन को करते समय हमें कुछ विशेष सावधानी को भी ध्यान में रखना पड़ता है? सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा अवलोकन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक हो, इसके लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अवलोकन से पूर्व ही हम एक विस्तृत योजना बना लें,
और ये पहले से तय कर लें कि अवलोकन किसका करना है, किन किन व्यवहारों का करना है, उन व्यवहारों की एक सूची तैयार कर लें। केवल उन्हीं व्यवहारों का अवलोकन करें जो आपकी सूची में शामिल हैं या जो आपका उद्देश्य है। अवलोकन के दौरान दूसरे व्यवहारों का अवलोकन करने से अवलोकन की वैधता प्रभावित होती है, क्योंकि आप यदि उन व्यवहारों का अवलोकन करने लगेंगे जो आपके प्लान में ही नहीं शामिल हैं तो आप अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो आपकी जो सूची है उनमें कौन कौन से व्यवहारों का, योग्यताओं का, गुणों का अवलोकन करना है, केवल उन पर ही आप ध्यान रखेंगे तो अवलोकन जो है वस्तुनिष्ठ होगा, वैज्ञानिक होगा। और एक बार में बहुत ज़्यादा व्यवहारों का या गुणों का अवलोकन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से न केवल व्यवहारों में भेद करने में परेशानी होती है वरन आंकड़ों के अवलेखन में भी कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन से व्यवहार या गुण का अवलोकन कितने समय तक या कितनी बार किया जाना, यानी यहाँ बारंबारता की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कितनी बार आप अवलोकन करेंगे। अवलोकन उपकरण में द्वि-अर्थीय शब्दों का प्रयोग ना करें। इस समस्या से बचने के लिए आप पदों को संक्रियात्मक रूप से परिभाषित कर लें, उनकी परिभाषा बना लें कि भाई इनका मतलब क्या है, और प्रतिदिन अवलोकन स्तर पर जाने से पहले यह जांच लें कि आपकी कलम, टिप्पणी पुस्तिका आपने अपने बैग में या फोल्डर में रख ली है कि नहीं। कहीं आपको अवलोकन स्थल पर जाके पता चले आपके पास पेन ही नहीं तो आप टिप्पणी कैसे लिखेंगे। अवलोकन स्थल पर ध्यानपूर्वक तुरंत टिप्पणी लिख लेनी चाहिए, अन्यथा घटना के बारे में विस्मरण हो सकता है। यदि अचानक से कोई अजीब व्यवहार अवलोकित किया जाता है तो उसे तुरंत अवलेखित कर लें और उस अजीब व्यवहार का दोबारा परीक्षण करें कि क्या ये बनावटी कर रहे हैं या वास्तव में ऐसा होता है ना। तो उस अजीब व्यवहार को आप पहचान लें और उसको अवलोकन लिस्ट में नोट कर लें कि इसका परीक्षण मुझे दोबारा भी करना है। तो इस चीज़ का भी आप जो है ध्यान रखेंगे। आंकड़ों का अवलेखन अपनी व्यक्तिगत पसंद तथा विचारधारा संवेगों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर करें ताकि अवलोकन को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी प्रदान की हमारे दर्शकों को, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस चर्चा से, जिसमें कि आज हम लोगों ने साक्षात्कार के अर्थ, उसके प्रकार, उसकी आवश्यकता, साक्षात्कार लेते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, अवलोकन का क्या अर्थ है, अवलोकन के कितने प्रकार हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन, अप्रत्यक्ष अवलोकन, अवलोकन करते समय ली जाने वाली सावधानियाँ, इन सब विषयों पर चर्चा की। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस चर्चा से बहुत ही लाभान्वित होंगे, और इसी के साथ मैं आज की चर्चा को समाप्त करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।